हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी केयर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगी रात को सोने से पहले जो कच्चा लहसुन होता है उसके खाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और आपको किस तरीके से उसे सोने से पहले खाना है ताकि वो नुकसान ना दे। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट्स बताने वाली हूँ लहसुन के, जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी मेरी वीडियोस दिखें। इसके लिए बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूले। और मैं आपका वेट करती हूँ, आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ वीडियोज़ में, कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको किस बारे में उसमें नॉलेज चाहिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम खाने में लहसुन खा रहे हैं या हम सोने से पहले, आपने सुना होगा कि अगर आप लहसुन की एक दो कली लेते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन को खाने से इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। सबसे पहले हमें लहसुन को खाने या किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसके बेनिफिट्स और उसके जो नुकसान क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर किसी का जो बॉडी का प्रवृत्ति बोलते हैं जिसे, वो चेंज होती है। किसी की ठंडी होती है, किसी की गर्म होती है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको सरल इजी वे में बताऊं तो कई लोगों को गर्म खाना, स्पाइसी फूड या फिर एग हो गया, या काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिनमें गर्मी ज़्यादा होती है, वो चीज़ें अगर कई लोग खा लेते हैं तो उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगता है, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, या फिर उनके हाथ के तलवे या पैर के तलवों में जलन होने लगती है। तो इसका सीधा सीधा रीज़न है कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो ठंडी है, आपको ऐसे में गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और अगर आप गर्म चीज़ें खा रहे हैं और उसका कोई भी इससे बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, डाइजेशन वगैरह ठीक है और आपको ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं लग रही है, तो इससे आपका पता चलता है कि आप गर्म चीज़ें हैं जो आप गर्म प्रवृत्ति के हैं, आप कोई भी चीज़ इस टाइप की ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको लहसुन वगैरह डायरेक्ट खा रहे हैं एक्चुअली, तो अगर आपको जैसे आप लहसुन खा रहे हैं, आपको सोने से पहले क्या करना है कि लहसुन की एक दो कली, अगर सपोज़ आप गर्म चीज़ें खा रहे हैं और वो आपको सूट नहीं हो रही हैं, आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो लहसुन होता है आप कुछ लहसुन की कलियां हैं उनको छील लीजिए, और उसके बाद जो हनी होता है शहद उसमें उसको डुबो के रख दीजिए। आप उसे 6 से 7 दिन इसी तरीके से रखे रहने दीजिए, और 6-7 दिन बाद आप क्या कर सकते हैं, वो आपके खाने के लिए तैयार है। तो अगर आपको गर्म चीज़ें भी डाइजेस्ट नहीं होती हैं तो ये उन लोगों के लिए मेथड है। तो आप क्या कर सकते हैं कि शहद है जो, उसमें 7 दिनों के लिए लहसुन को भिगा दीजिए, और उसके बाद अगर आपकी एज 40 के ऊपर है तो आप सोने से पहले 1 से 2 लहसुन की जो कली है उनको खा सकते हैं। और अगर यहीं आपकी एज 40 से कम है, 20 से 40 के बीच में है, तो आप 3-4 भी खा सकते हैं बहुत इजीली। इसके फ़ायदे क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये अगर आप लहसुन को सोने से पहले खाते हैं तो ये आपकी जो बॉडी है उसमें डिटॉक्स का काम करता है, आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और हमारी जो आंतें होती है उसमें जितनी भी चीज़ें हम डेली की जो जंक फूड और फास्ट फूड इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, या हम जो भी ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो हमारी जो आंतें होती है उसमें जितने भी बैक्टीरिया या गंदगी होती है उसको ये बहुत अच्छे से डिटॉक्स कर देता है, क्लीन कर देता है। लहसुन के फ़ायदे वेट लॉस में भी हैं। अगर आप शहद में डिप करे हुए लहसुन खाते हैं तो इससे जो पेट की जो चर्बी होती है उसको कम करने में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे आपको पूरे दिन एनर्जेटिक फील होगा। और जो लोग जिम करते हैं उनको भी एडवाइस किया जाता है, जिम वालों के लिए भी इसका काफ़ी फ़ायदा है। इससे क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती है, एक्सरसाइज वगैरह करने से मसल्स जो होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी प्रोटीन और विटामिन वगैरह चाहिए होते हैं। तो अगर आप लहसुन खाते हैं इससे जो आपकी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प होती है। आप नोटिस करेंगे कि आपको पूरे दिन एनर्जेटिक फील होगा, आप लो फील नहीं करेंगे। इसी के साथ जिसको नाड़ियों का दिक्कत होता है, जो लोग लहसुन खाते हैं उनकी नाड़ी हो गई या जो ब्लॉकेज होते हैं वो नहीं बनते हैं। और तीसरा, ये खून को पतला करने में काफ़ी हेल्प करता है। खून को पतला करने से सेंस है कि सभी की बॉडी अलग अलग नेचर की होती है, और ऐसे में जब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके लिए ब्लड का जो है थिक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अगर आप लहसुन 1 से 2 या 3 से 4, मैं आपको बता देती हूँ कि 20 से 40 है जो, वो 3 से 4 कली भी ले सकते हैं, लेकिन 40 के ऊपर 1 से 2 ले लीजिए। इसका रीज़न ये है कि हम जैसे जैसे हमारी एज ग्रो होती है, हम जितने यंगर होते हैं
हमारा जो डाइजेशन होता है वो उतना ही अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज क्रॉस होती है तो हमारा डाइजेशन, हमारी जो बॉडी है उसके जो काम करने का तरीका होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि आप 40 के ऊपर हैं और आप ज़्यादा लहसुन खा रहे हैं, इससे आपको गर्मी हो सकती है, डाइजेशन हो सकता है या स्टमक अपसेट हो सकता है। इसीलिए अगर आपकी 20 से 40 की एज है तो आप 3 से 4 भी खा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, खून पतला होता है, खून पतला होने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी कम होती है। और क्योंकि लहसुन में हीट बहुत ज़्यादा होती है तो उसको आप हनी में डिप करके खाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, ये सभी तरीके के लोग खा सकते हैं। इससे क्या होगा, उसकी जो गर्मी है वो निकल जाती है। इसी के साथ साथ अगर आपका बीपी लो होता है तो आप डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही लहसुन को खाएं, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप खाने में लहसुन का यूज़ करें, ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप चाहें तो जो हनी है उसमें डिप करा हुआ भी ले सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप लहसुन को सोने से पहले खाते हैं तो इसके काफ़ी सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो आपकी बॉडी में एनर्जेटिक फील कराते हैं, आपको डायबिटीज़ में बेनिफिट होता है, आपका जो ब्लड है उसको थिक करता है, हार्ट से रिलेटेड या स्टमक से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनको कम करता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, और इससे क्या होता है आपका जो स्टमक है वो क्लीन और हेल्दी रहेगा तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ऐसे ही लहसुन खाने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। होप आपको मेरे वीडियो से मदद मिलेगी, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक्स का मैं वेट करूँगी और रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और अपने आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज का जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ वीडियो में, चलिए।